जेम्स कैमरून का अवतार अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म शुक्रवार 23 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई। 2009 की रिलीज के बाद से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तीसरी बार चल रही है और इस बार यह अपने लंबे समय से प्रतीक्षित सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर के रिलीज होने से कुछ महीने पहले है। पुनः रिलीज से पहले हाल ही में मीडिया से बातचीत में निर्देशक जेम्स कैमरून ने सिनेमा पर फिल्म के प्रभाव के बारे में बात की। अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर यहाँ है। नावी को महासागरों को एक्सप्लोर करते हुए देखें। 2009 में जब यह सिनेमाघरों में आई तो अवतार को इसके दृश्य प्रभावों और पैमाने के मामले में अभूतपूर्व माना गया। फिल्म ने विश्व स्तर पर 2.8 बिलियन की कमाई की, जो जेम्स की अपनी 1997 की ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक को विस्थापित करते हुए अब तक की सबसे सफल फिल्म बन गई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने पूछा है कि क्या फिल्म ने सिनेमा पर एक स्थायी छाप छोड़ी है, क्योंकि यह पॉप संस्कृति में स्टार वार्स, एवेंजर्स और यहां तक जुरासिक पार्क जैसे कुछ अन्य विज्ञान फाई फैंटेसी हिट के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में वैश्विक मीडिया के साथ बातचीत में जेम्स ने अवतार की विरासत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं कहूंगा कि 3D को सामान्य रूप से कुछ समय के लिए अपनाया गया था। मेरा मतलब है, अवतार ने 3D डिजिटल कैमरे के साथ सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीता। इससे पहले किसी भी डिजिटल कैमरे ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर नहीं जीता था। और फिर बाद के 3 वर्षों में से 2 उन्हीं कैमरों का उपयोग सिनेमेटोग्राफरों द्वारा किया गया जिन्होंने ऑस्कर जीता था। तो आपके पास 4 में से 3 साल हैं जहां अकादमी द्वारा डिजिटल सिनेमेटोग्राफी को अपनाया गया था। निर्देशक ने कहा कि यह फिल्म की सफलता का एक अल्पकालिक प्रभाव था, लेकिन जूरी इसके दीर्घकालिक प्रभाव के लिए बाहर है। जिस तरह से फिल्मों को प्रस्तुत किया गया उस पर इसका प्रभाव पड़ा, जो अब केवल स्वीकृत और उत्साही का हिस्सा है, और यह कैसे किया जाता है। दीर्घकालिक सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से मुझे लगता है कि हम पता लगा लेंगे कि क्या लोग अवतार 2 के लिए आते हैं। अगली कड़ी अवतार द वे ऑफ वाटर भी जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित है और केट विंसलेट और मिशेल योह को पेश करते हुए पहली फिल्म से सैम वर्थिंगटन, जो सल्दाना, सिगोर्नी वीवर और स्टीफन लैंग को वापस लाता है। यह फिल्म 5 भाग वाली फ्रेंचाइजी में दूसरे स्थान पर है और 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।